नहीं बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपने किसी को दिया रहता पैसा, तो आप ऐसे उसने ऐसे आपको बोल दिया रहता है कि जाने दो छोड़ो अभी ये पैसे का, तो अरे छोड़ते आप? कितने जन मेरा पैसा लेके नहीं भाग गए, ना। कितना तो जन ये मेरा भी नंबर दो क्या, बैंक का पैसा नंबर दो मतलब क्या बैंक का पैसा मेरे पास, मतलब जितने जन समझते हो कितने ना, जन पैसा लेके जो भाग गए मालूम सेविंग। मालूम है सुनो ना मैडम, सर, मेरे पास जितने सुनो ना जन जो पैसा लेके भाग गए ना, उनका नंबर दो क्या, आप कलेक्शन करके दो मुझको। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ हाँ कौन, रवि जी बात कर रहे हैं? यस रवि जी बात कर बोलिए रहे हैं मैडम, सर? रवि से विदा बात कर रही हूँ, ICICI बैंक के बिहाफ से सर। किधर से सर मैडम, कॉल के ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ICICI बैंक का। हाँ बोलिए मैडम, कौन हाँ सर, ये क्रेडिट कार्ड का आपका ड्यू पेंडिंग था, उसके रिगार्डिंग कॉल सा किया कार्ड था। नंबर क्या मैम, नहीं, इसका लास्ट का 4 डिजिट है 3018। 3018। ओके ओके बोलिए ना हाँ मैडम। हाँ सर, वो पेमेंट पेंडिंग था उसका, आउटस्टैंडिंग वो हुआ नहीं था। मतलब कुछ इश्यू है यस क्या, पेमेंट नहीं किया यस, तो? हाँ फंड इशू है मैडम वो। फंड इश्यू है। ओके, तो मतलब कब फिर ये क्लियर होने वाला है दो आपके? तीन दो महीना जाएगा मैम और, तो 3 महीना और जाएगा। यस मैम। क्या इश्यू है आप बता सकते होगा मुझे? मैं अभी बता चुका हूँ मैडम ऑलरेडी, अभी क्या बताऊँ, तो अच्छी, क्योंकि बदला ना वाला कितना एटलीस्ट आप किया, मिनिमम पेमेंट जो आपका स्टेबलाइज अमाउंट है वो तो पैसा एटलीस्ट होना ऐसे मैं चाहिए ना मैम, पेमेंट कर मिनिमम के देती लिए भी हूँ। पैसा होना चाहिए ना। मतलब क्या आप जॉब बिजनेस वगैरह कुछ कर नहीं रहे हो अभी फिलहाल? अभी कुछ भी नहीं मैम, ये जो वैलियंट फैशन का था, वो का था ना आपका शॉप? ये हाँ जॉब करते थे वहां पे आप? वो शॉप था मेरा खुद ये का, वो बंद हो गया ना मैम, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ओके। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हो आप? नहीं ना लेकिन फिलहाल अभी जो अभी, आपका अमाउंट कुछ इतना ज्यादा नहीं है, 23,500 का ही अमाउंट, अगर हाँ इसके लिए उसका आप अपना पूरा सीवी लिमिट खराब 60,000 करके है ले रहे हो मैम, तो कुछ कार्ड का 60,000 रुपया क्या सॉरी है, पूरा 60,000 रुपया है मैम क्या उसका, बोल 60,000 रुपया है। रही? नहीं, 60 नहीं है, 45,000 है। 45,500, मतलब पच्चीस हाँ हजार भी नहीं है। तो आपका कार्ड लिमिट भी अच्छा खासा है 60,000 का। ये अगर ये महीना भी आप डिफॉल्ट, मतलब ये पेमेंट नहीं होगा ना आपका एटलीस्ट 1 मंथ का भी, तो ये अकाउंट आपका डिफॉल्ट में जाएगा। क्रेडिट कार्ड भी आपका परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। जो अभी टेम्परेरी ब्लॉक है वो परमानेंट ब्लॉक हो सकता है सर। हाँ अभी तो क्या इससे कर पहले ना सकते हैं, एनपीए में पैसा टैग तो है, होगा डिफॉल्ट में, तो सिबिल तो ऑलरेडी आपका इफेक्ट कर चुका है और ये करेगा, और ऊपर से जो क्रेडिट कार्ड आपका चालू था वो भी बंद हो जाएगा परमानेंट। तो फिर नए क्रेडिट कार्ड के लिए भी फिर अप्लाई करने के लिए इशू हो जाएगा आपको। तो हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट 1 मंथ का तो EMI अगर पॉसिबल होगा तो वो क्लियर करते रहिए ना। तो एटलीस्ट उसे डिफॉल्ट में जाने से तो रुकेगा। बाकी का जो पेंडिंग का अभी जो फिलहाल चालू है 4 महीने का, वो आप पैसा जब ही नहीं आपके है ना पास मैम, फंड का अरेंजमेंट हो तो कर दीजिए। ज्यादा पैसा ही नहीं है ना मैम, वही तो बोल रहा हूँ, बड़ा अमाउंट नहीं है सर, 4,000 ही अमाउंट है आपका 1 मंथ का। एटलीस्ट वही मैडम, वो भी नहीं है मेरे पास, उतना तो चार सौ अरेंज रुपये कर नहीं है, सकते हो ना आप। 400 रुपये भी नहीं है क्या मैम, सर, आप 4,000 बोल रहे हो, 400 रुपये अरेंज भी नहीं करना है, पड़ेगा ना आपको, ऐसे अभी कहाँ रिजर्न से देने करूँ से तो मैडम कुछ होगा बताइए, नहीं ना गरीब सर। आदमी कहाँ जाएगा मैडम, अभी सोच रहा हूँ, गरीब कैसे सर, खुद का बिजनेस है आपका, इतना अच्छा अभी था पूरा मतलब जो बंद हो भी गया है, मैम, तो आप ऐसा खड़ा है तो कर सकते हो। अगर वो नहीं तो कुछ और तो कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट कर ही सकते हो ना सर। ऐसा नहीं ना करूंगा कि मैडम, बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि नहीं नहीं कर रहे करूंगा, हो करूंगा करूंगा, तो, क्योंकि इसके पहले का रिकॉर्ड भी आपका अच्छा खासा है। आपने 10-10, 12-12 हजार एक एक टाइम पे पेमेंट किया हुआ है, उससे ज्यादा आठ भी। आठ हजार किए, 10-10 हजार नहीं मैम, हाँ वही है। नहीं, अभी फिलहाल का रिकॉर्ड देख रही हूँ ना मैं लास्ट, इसलिए देख रही हूँ। इसके पहले भी अच्छे खासे रिकॉर्ड किए, 2018 से आप कार्ड यूज कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि अभी एक आध साल पहले ही लिया था, इतना पुराना कार्ड है आपका अच्छा। और अब ऐसे थोड़े से छोटे से अमाउंट के लिए आप डिफॉल्ट में जा रहे हो सर। देखिए ना, अगर आपको पूरा आउटस्टैंडिंग नहीं करना है तो सेटल करवा लीजिए, तो आपका जो यूजेस अमाउंट है उस पर वही सेटलमेंट तो हो बोल रहा जाएगा, हूँ वो मैडम, क्लियर कर लीजिए। अगर पूरा अमाउंट का अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो मेरा ऐसे कुछ कहना कर भी वही सकते हो है तो। मैम, अभी फिलहाल का पैसा है ही नहीं, ऐसा है हाँ, तो अगर वो करते हो तो सेटल करवा लीजिए ना, जो अमाउंट आपका है उसमें वेवर हो जाएगा, कम से कम में मिल जाएगा आपको, वो क्लोज कर लीजिए। अगर पूरा आउटस्टैंडिंग ज्यादा पड़ रहा है आपको तो, इसलिए तो एटलीस्ट 1 मंथ का तो क्लियर करो। मतलब एटलीस्ट डिफॉल्ट में जाने से तो रोकोगे आप? सही बात है, पूरा लेकिन डिफॉल्ट में पैसा जाओगे तो सेटलमेंट ही तो नहीं है होगा क्या नहीं, कर ऊपर सकते हैं, से
अरेंज कर लीजिए ना सर, पैसे का तो सबको इश्यू है, सब कस्टमर जो भी हमारे पास आते हैं सबका यही इश्यू रहता है कि कुछ ना कुछ बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, हेल्थ इशू, कुछ भी रहता ही है। बट अरेंज करने से ही अरेंजमेंट होगा ना, वो ऐसे सिर्फ अगर आप बोलोगे हर महीना कॉल आएगा, बोलोगे मैडम इशू है नहीं कर सकता, तो उससे तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है ना पैसा होना चाहिए ना मैम। सर। वही बोल रहे हो ना मैं, आप अरेंजमेंट नहीं है ना मैम पैसा, वही कुछ तो तो बोल करना रहा हूँ। पड़ेगा आपको अरेंजमेंट। पैसे का सॉल्यूशन तो पैसे से ही छूटता है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैडम नहीं है और ये आपका ऐसे तो नहीं होगा ना सर। उसके लिए आप अभी क्या करूँ बताइए ना मैडम। जो करना है अरेंजमेंट करना है वो मैं कैसे बता सकती हूँ सर आपको, क्यों ना आपने यूज किया है, आपको के लिए तो आपने यूज नहीं किया रहेगा ना। अभी अभी आपको दो इसलिए, हजार अठारह से अभी आपको अभी इसलिए क्या बोल अभी रहा हूँ आप ही आर्टिस्ट। सोचो, अभी आप 2018 से यूज कर रहे हो, तो आप जब भी यूज करते थे आपको ये तो याद मतलब ध्यान में रहता था कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये, तो मेरे को ये 45 days में या कुछ दिन में मेरे को ये पेमेंट करना ही है, बराबर ना। ऐसा बराबर। नहीं ना अभी कि ये एक ही बार ले लिए, एक ही बार किसको यूज कर पता था लिया और मैडम मेरे कि को फ्यूचर डिफॉल्ट में ऐसा करना प्रॉब्लम है होने ये वाला है। खत्म कर। मैडम मुझको वो थोड़ी ना पता था कि फ्यूचर में, समझ रहे सर, समझ रहे समझ हैं रहे फिर आप बैंक सब समझ चीज रही है, बोल रहे हो। इसलिए मैडम आप सब क्या हर चीज बोल रहे हो फिर समझ रहे हो, ये अलग होता है ना वर्ड दोनों मैं के आपको मैडम। क्या बोल रही हूँ। अगर समझते नहीं थे तो बैंक ने पहले ही महीने में आपको बोला रहता ना कि 45 days आपका क्रॉस हो चुका है, अभी के अभी 50,000 क्यों भरवा नहीं मैम, दीजिए आपका कितने जन अमाउंट ने है। फोन करके गाली गलौज कर चुके हैं ऐसे ऐसे वालों ने, कम हो चुका है क्या वो तो मैम। अभी आए रहेंगे ना सर, क्यों आपको डिफॉल्ट में जाने के बाद आया रहेगा आपको कॉल डिफॉल्टर के बाद मैम, तो पहले क्या। महीने से चालू है, वो पहले महीने से नाटक चालू है। तो आपको कॉल करते रहेंगे ना, कॉल तो आएंगे ना पेमेंट के लिए आपके, वही अरे कॉल करो, बोल रहे गाली हो ना गलौज मैं नहीं कर सर। आप सकते ना मैम। किसने किया है सर आपको, बहुत जान की है मैडम, अभी किसका किसका नाम बताओ, आपको बताओ। ऐसे कैसे करेंगे, अभी कोई कुछ फिलहाल भी ना ऐसे कोई मैडम ओटीपी तो आरटीपी नहीं डाल करेगा दो, ना। फिलहाल हाँ आरटीपी डाल दो, इसको देखता हूँ राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट वगैरह जो भी है, 2-3 महीने में पैसा क्या आने नहीं वाला हो है। पाएगा ना सेटलमेंट, एक बार डिफॉल्ट में गया तो राइट ऑफ के बाद कैसे सेटलमेंट होगा आपका, बताओ होता है मैम, सब होता मुझे है, मुझको पता है ना, क्या होगा, मुझको पता है तो ना मैम, क्या सब होता करोगे फिर। है। वही बोल फिर रहा हूँ आपको ये ना। कार्ड चालू नहीं करवाना है आपको, नहीं सिविल अभी आपका उसका नहीं वर्क नहीं बाबा, करना है अभी क्या आपको। मुझको फिर जिंदगी में कोई कार्ड नहीं लेना है। मैं आज जो झेल रहा हूँ ना मैम, वो कार्ड के वजह से ही झेल रहा हूँ। हाँ बट ये जो है वो नहीं, ये जो है वो कार्ड वो खुद से बंद करना और बैंक ने आपको डिफॉल्ट पे डाल के ये परमानेंट ब्लॉक करना, ये अलग बात होती है ना सर, तो हाँ अलग डालने चीजें दो है ना ना, मैम, डालने दीजिए वही ना मैम, समझा रही हूँ मैं आपको। क्या डालने दीजिए ना मैम, क्या जाने कर, डालने दीजिए डिफॉल्टर में, अभी क्या कर। दीजिए मतलब सर पैसे, हाँ आप क्यों टेंशन ले रहे हो मैम उतना। जैसे हेलो, इसको आप क्यों अगर टेंशन पैसे ले रहे हो दिए मैम। आपने, नहीं बता रही हूँ हाँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपने किसी को दिया रहता पैसा तो आप ऐसे उसने ऐसे आपको बोल दिया रहता है कि जाने दो छोड़ो अभी ये पैसे का, तो छोड़ते अरे आप कितने जन मेरा पैसा लेके नहीं भाग गए, ना। कितना तो जन ये मेरा भी नंबर दूँ क्या, बैंक का पैसा नंबर दूँ मतलब क्या, बैंक का पैसा मेरे पास मतलब से जितने समझते जन हो कितने ना, जन पैसा लेके जो भाग गए सेविंग, मालूम है सुनो ना मैडम, सर, मेरे पास जितने सुनो जन सर, पैसा लेके भाग गए ना, उनका नंबर दूँ क्या, आप कलेक्शन करके दो मुझे। वो क्या करूं मैं, तो फिर बैंक ही नहीं अभी हर काम कर चीज रहा, क्यों बोल रहे हो रोना कर फिर। रही हूँ।